सरकार का ही जहाँ बस अगर कोई पंजाब में सहाफ़ी मुझसे पूछता तो फिर तो मैं इस सवाल का जवाब देता, लेकिन अगर टांग और डी ए खान का सहाफ़ी मुझसे बातें पूछता है, अगर हलीम को पता है और आपको पता ना हो तो ये तो अजीब बात हो जाएगी। तो ये चीज़ें हजरत इस वक्त इन हालात में जब हमारी तहरीक जोबन पे चली गई, झूठ के पलंदे उठा उठा कर सिर्फ मीडिया ट्रायल करना, पहले कहा गया था फजल रहमान को नोटिस दिया गया, फिर अब तक नोटिस नहीं है, अब कह रहे हैं कि फजल रहमान को सवालनामा भेजा गया है, अब तक मुझे सवालनामा नहीं पहुँचा। ये कैसा सवालनामा है, ये कैसा नोटिस है कि मीडिया को तो पहुँचे और फिर उनके जो वज़रा हैं और उनके जो बाकू किस्म के लोग हैं वो तो आए मैदान में और वो हमारे ख़िलाफ़ दिन रात एक करें। जी भाई आओ ग्राउंड पे, बताओ कौन सी जगह है जी, मुझे भी वो बंगला बता दो कि जिसको मुझे भी पता चले कि भाई मेरा है जी, मुझे भी वो ज़मीन बता दो कि जिसको मैं समझूँ कि मेरा है जी। और ये तो किरदार कुशी के अलावा कुछ नहीं है, ये टाइमिंग बतला रहा है कि ये कितने मुनाफिक हैं, कितने बदनीयत हैं, नेब वाले भी, हुक्मरान भी, उनके वज़रा भी, उनके झूठे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में सच नहीं बोला, जिसको इस बात का शूर एहसास तक नहीं है कि झूठ बोलना, किसी पर बोहतान बांधना, मतलब सियासी बातें हैं, सियासी बातें हैं, ये सियासी बातें नहीं हैं। इसका माना है कि ये इनके पास अखलाकियात नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, दीनदारी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूँ जी। मौलाना साहब, एक तरफ मीडियम इस्तीफों की बात कर रही है, दूसरी जानब बिलावल ने ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं, इस बारे में क्या? इस बारे में 1 जनवरी को सरबराही इजलास होगा और उसमें इस बारे में मशावरत भी होगी और हाथ में फैसले भी होंगे। मौलाना साहब, गुल नसीब खान साहब ने कहा है पार्टी से निकाले जाने के बाद कि मुझे निकाला गया लेकिन दस्तूरी अमल पूरा नहीं हुआ, दस्तूरी अमल कौन सा पूरी नहीं हुआ और उसे गहराई नहीं, तो कैसे? मरकजी मजलिस शूरा ने और आमला ने मिलकर फैसला किया है और मेरे ख्याल में वो बेहतर तौर पर दस्तूर को भी जानते हैं और मंसूर को भी जानते हैं। उस पर मैंने अभी तक तहरीर में अपनी राय दे दी है, सब जाएंगे सब। मौलाना साहब, इस्तीफे आपके पास कब तक जमा कराए जाने का इम्कान? तकरीबन हो चुके हैं। दीगर जमातों के भी हुए आपके पास? जी वो अपने अपने पार्टी लीडर के पास जमा। मौलाना साहब, इमरान खान ने कहा कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो मैं ज़िमनी इंतखाबात करा दूँ, उसका बाप भी नहीं करा सकता, तो क्या पीडीएम उन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी? अरे कहीं मजाक का है, मजाक की बात कर रहे, बच्चों की बातें क्यों कर रहे हो? हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों की नहीं है बात है जी। इमरान खान साहब इतने इत्मीनान से क्यों हैं, क्या वो एक्टर हैं? ये इत्मीनान नहीं है, ये एक्टर है। हाँ, ये इत्मीनान की बातें नहीं है, ये इस्तराब की बातें हैं, इस्तराब में बौखलाहट में इस किस्म की बातें लोग करते हैं। ताज़ा चेस्टड़ा ऐसी भी अगपी है जी। मौलाना साहब, पीडीएम को संभालते संभालते आपके 4 साथियां हो बैठे हैं, इसके बारे में? इसके हम आदी हैं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह होता रहता है। मौलाना साहब, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो सकता है ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है। मौलाना साहब, ये जो आपके पार्टी के 4 बंदों को आपने निकाला है उसके बाद कहीं माजी की तरह सीन के बाद सीन तो नहीं बन रही जई भाई सीन? अगर जो भी बने जमीयत एक ही है, इसी को जमीयत कहा जाता है, बाकी कोई जमीयत नहीं होती। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ग्रुप बने किधर है, मुस्लिम लीग में ग्रुप बने किधर है, हमारे यहाँ ग्रुप बने आज किधर है, जमीयत एक ही होती है जी। तो ये थोड़ा सा आप जो सहाफ़ियों की दुनिया ना, मीडिया की दुनिया है, थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा इसको खबरें बनाने की हद तक थोड़ा सा महमीज दिया करते हैं। मौलाना साहब, बैकडोर कोई रबते जारी है और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की वापसी का भी कोई इम्कान है? आप पीडीएम के सदर हैं,
नहीं, उन्होंने अपनी वापसी का फैसला खुद करना है और बैकडोर कोई रास्ते नहीं। मौलाना साहब, मोहम्मद खान शेरानी ने कहा कि मैं जीओआई फे का हिस्सा कभी नहीं रहा, मैं जीओआई का कारकुन था और रहूंगा, उसे मुझे कोई हम सब जमीयत के हिस्सा रहे हैं, कोई भी जमीयत फे का हिस्सा नहीं रहा है। मौलाना साहब, अगर ये सूरत हाल में जिस हालात में मतलब आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुस्लिम लीग नून के जो तवक्कुआत हैं या उनके हालात मुख्तलिफ हैं, इसी तरह से पीपल्स पार्टी के भी, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब इत्तेफाक के राय ना हो पाए तो फिर क्या होगा? पीडीएम इन हालात में किस तरह से सर्वाइव करेगी? जिस तरह से कुछ कोशिशें, कुछ ताकतें ऐसी कोशिश कर रही है कि उनमें तफरीक बढ़े या इनमें इख्तलाफ बढ़े। लोग तो कोशिश करेंगे कि तफरीक बढ़े, लेकिन हमें हम कोशिश करेंगे कि हम एक रहें। मौलाना साहब, अगर इमरान खान हुकूमत चली भी जाए, सेलेक्टेड तो चला जाएगा लेकिन सेलेक्टर वही होगा, उसके बारे में पीडीएम का क्या होगा? देखिए, सेलेक्टर एक इदारा है, इदारे के कुछ बड़े हैं, वो भी इदारे के हदूद से फिर आगे नहीं जा सकेंगे और उनको इदराक होगा कि अगर एक गलती हमसे हुई है तो दोबारा वो गलती ना हो। थैंक यू सर।